भजनपुरा इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने बीच सड़क पर एक युवक पर गोलियां बरसा दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। गोलियां बरसाने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आपको बताएं, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके से दो खाली कारतूस बरामद किए। आपको बताएं, रिजवान की शिकायत पर प्राथमिकी पंजीकृत कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज खंगाल कर पुलिस बदमाशों की तलाश जारी कर रही है। वहीं रिजवान अपने परिवार के साथ सुभाष मोहल्ले में रहता है। वह रविवार को किसी काम से घर के बाहर गया हुआ था। आपको बता दें, शाम 6 बजे वह अपने घर लौट रहा था, जब वह नूरे इलाही पेट्रोल पंप के पास पहुंचा। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाश आए और उस पर गोलियां बरसा दी। बचने के लिए पीड़ित सड़क पर इधर उधर भागने लगा। कई राउंड गोलियां चलने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक से पूछताछ कर पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसकी किसी से रंजिश तो नहीं चल रही है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।